वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आईसीटी के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था, मैंने आईसीटी के डिसएडवांटेजेस यानी उसके जो दुष्परिणाम है मैंने उसके बारे में चर्चा किया था अपने चैनल पे। आईसीटी के क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उस पर मैंने चर्चा किया था। लेकिन आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको इस बात के बारे में चर्चा करने वाली हूँ कि आईसीटी को आप असेसमेंट में कैसे यूज करेंगे, यानी आईसीटी को आप मूल्यांकन में जो है कैसे यूज करेंगे। तो उसकी हम लोग आज खास जिक्र करेंगे कि आईसीटी का जो है मूल्यांकन में, बच्चों के मूल्यांकन में आप आईसीटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को मैंने NIOS के DLED नोट्स से भी उठाया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ना तो सिर्फ आपको इंटरव्यू में इसका काम आएगा, बल्कि आपको इसका रिटन CDP टॉप लेवल एग्जाम्स में भी आपको काम आने वाला है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के टाइम पे आईसीटी के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जिससे कि आप बच्चों का, छात्रों का जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। आईसीटी सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। ऐसा कुछ लिमिट तो नहीं है कि सिर्फ आप उससे पढ़ा के बच्चों को जो है वो आप सारे ज्ञान की बात बता सकते हैं। अगर आपको बच्चों का मूल्यांकन करना है, यानी बच्चों का असेसमेंट करना है, तो आप आईसीटी को कैसे यूज करेंगे? तो बहुत सारे टूल्स जो है वो अवेलेबल हैं आज के टाइम पे। आईसीटी से बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए बहुत सारे आईसीटी के जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं आपको एकदम साधारण भाषा में पूरे आईसीटी का जो असेसमेंट है, बच्चों को कैसे कर सकते हैं, साधारण भाषा में मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगी। क्योंकि डीएलएड नोट्स में कई बार कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं, बहुत डिफिकल्टी से लिखा रहता है, कई बार कुछ चीजें समझ में आती है, नहीं समझ में आती है। आसान भाषा में उस चीज को एक्सप्लेन करने वाला कोई मिल जाए तो चीजें आसान हो जाती है। इसलिए मेरा फोकस यही है कि इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में सब कुछ बता दूं। तो दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आईसीटी का जो असेसमेंट में जो वर्क होता है, सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चा जो सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है पूरे साल भर में। तो आईसीटी की एक टूल है ई पोर्टफोलियो के थ्रू आप बच्चा साल भर कैसा परफॉर्म किया है अपने सब्जेक्ट में, किस तरह से उसका चल रहा है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं, उस चीज का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ई पोर्टफोलियो क्या है। आप KVS इंटरव्यू में गए, आपसे पूछ देगा, अच्छा बताइए ई पोर्टफोलियो क्या है। आज के डेट में बिना तकनीक से सवाल किए तो भाई इंटरव्यू पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि तकनीक की तरफ दुनिया भाग रहा है। पूछ दिया क्या आपसे कि ई पोर्टफोलियो क्या है, तो भाई क्या है? तो ई पोर्टफोलियो का जवाब कैसे देंगे आप? ई पोर्टफोलियो एक डिजिटल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क है। क्या है? एक डिजिटल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क है, यानी एक डिजिटल कलेक्शन है कि विद्यार्थियों ने क्या काम किया है, उनका क्या वर्क रहा है, रिफ्लेक्शन से उनका, ठीक है, उनके काम का जो सारांश है वो है, स्टूडेंट ने एक समय में, एक निर्धारित समय में क्या परफॉर्म किया है, उनका वर्क कैसा चला है, ठीक है, उनके स्किल्स क्या हैं, उनकी जो कह सकते हैं ना, उनकी मजबूती क्या क्या है, उनकी जो स्किल्स है वो क्या क्या है, उनकी अचीवमेंट क्या है, उन्होंने क्या हासिल किया है अब तक, उनकी ग्रोथ क्या हो रही है, किस तरीके से वो जा रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या है, डिजिटल कलेक्शन है। क्या है? ई पोर्टफोलियो एक डिजिटल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क। आप क्या कह सकते हैं? डिजिटल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क। ठीक है, अब देखिए जी क्या है, अब अदर टूल्स। तो अब आपसे पूछ दिया गया कि आप कोई अदर टूल्स बता सकते हैं, कि आपने ई पोर्टफोलियो बता दिया, चले कि आपको कुछ और टूल्स पता है आईसीटी में असेसमेंट की, तो आप बता सकते हैं। ऑनलाइन रूब्रिक है, ऑनलाइन पीयर असेसमेंट है, डिजिटल कंसेप्ट मैपिंग है, ये सब कुछ नाम है जो आप इस चीज का ध्यान में रख लें। अगर नहीं ध्यान में है तो अभी मैंने आपको बताया, उसे लिख लें। ठीक है, डीएलएड के नोट्स में भी ये चीज अवेलेबल है, अगर आप वहां पे भी देखना चाहें तो आपको मिल सकता है। पर मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया कि आसान भाषा में अगर कोई समझाने को मिल जाए तो चीजें आसान हो जाती है। नेक्स्ट है भाई एडवांटेजेस, एक मैं बता दूं कि भाई आईसीटी से असेसमेंट का जो मूल्यांकन का सबसे बड़ा जो फायदा है, वो फायदा यही है कि टाइम मैनेजमेंट बड़ा होता है। एक टाइम, वो सब जमाना चला गया कि सभी विद्यार्थियों ने कॉपी पे, नोटबुक पे सारा चीज लिख दिया, अब टीचर सबको सेंड किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, MCQs ही है, चेक किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, साइन हो रहा है, मार्क्स बना रहे हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंटेशन होता है। हालांकि अभी भी होता है, पर आईसीटी ने बहुत सारी चीजों को आसान कर दिया है और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा आसान कर दिया है, जिससे कि शिक्षकों के लिए समय का मैनेजमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। हर बच्चों का मार्क्स को कैलकुलेट करके चलना, हर बच्चों के मार्क्स को, हर बच्चे के प्रोग्रेस को देखना, इन सबसे बहुत आसान हो जाता है। ठीक है,
अब क्या है कि आईसीटी का एक से असेसमेंट आप ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म हो गया. ऑनलाइन टेस्टिंग बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज के डेट में अवेलेबल है. क्विजेज हैं, पजल्स हैं, इन सब के थ्रू जो है बच्चों का असेसमेंट भी किया जा सकता है. ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म आजकल के टाइम पे तो कितने सारे आते हैं, जिससे कि आप बच्चों का कितने सारे एप्लीकेशन आते हैं जिससे कि आप बच्चों का, वो आईसीटी ही तो है, ठीक है, तकनीक ही तो है, जैसे बच्चों को एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे एमसीक्यूज मिलते हैं बच्चों को. हमारे टाइम पे तो ये सब उतना अवेलेबल नहीं था. मैं नहीं कहती मैं बहुत पुराने जमाने से हूँ, बट 2008-09 में आईसीटी का उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था. अब देख रही हूँ कि आईसीटी बहुत ज़्यादा रफ्तार से आगे भाग रहा है. इमिडिएट फीडबैक जो है वो कहीं ना कहीं मिलता है. आईसीटी असेसमेंट का ये भी फायदा है कि इमिडिएट फीडबैक मिलता है. भाई बच्चे ने परफॉर्म किया, बच्चे ने एमसीक्यूज डाला, तुरंत से स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है कि यू हैव स्कोर्ड दिस मच आउट ऑफ दिस मच, यू आर बेटर, यू आर गुड, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू हैव अ, मतलब जो भी होता है तुरंत से स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है. ऐसा नहीं है कि हमें रिजल्ट का वेट करना पड़ता है, 2 दिन होगा, मैम चेक करेंगी, फिर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है. मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन जो है असेसमेंट में आप यूज कर सकते हैं. पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं, बच्चों को डिजिटली उस चीज को दिखा सकते हैं, वर्क प्रोग्रेस वगैरह हो गया. फिर आज के टाइम पे एक नई चीज आ गई है, ऑनलाइन पोर्टल्स एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. भाई मैंने कुछ एक दो जगह ऑनलाइन एमबीए के बारे में सुना, तो ऑनलाइन एमबीए में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वाली बात आई, तो ये हर जगह कहीं ना कहीं एलएमएस जो है वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें बच्चों का असेसमेंट जो है, बच्चों बच्चे का क्या प्रोग्रेस है, ये सब पता चलता है. ऑनलाइन पोर्टल होता है, पोर्टल के थ्रू भी जो है आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन पोर्टल, ये सब भी चीज़ें जो है बच्चों के असेसमेंट में काम आती है. और आईसीटी का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, जिसके वजह से वर्क फ्रॉम कहते हैं ना, जब लॉकडाउन लगा था तो लाखों बच्चों को फायदा मिला था एलएमएस के थ्रू और ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू, ठीक है. अब बात आती है ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी की. जी हाँ, एलएमएस से ये माफ कीजिएगा, जब आप आईसीटी के थ्रू असेसमेंट करते हैं तो गलत होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि हम जब कई बार कोई चीज को कैलकुलेशंस करते हैं तो कई बार कुछ गड़बड़ हो जाता है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाता है. बाद में पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मैम आपने ये चीज गलत लिख दिया, गलत कैलकुलेशन हो गया, नहीं मैं कहता हूं ये होगा, आप कहते हैं नहीं मैं कहती हूं ये होगा. लेकिन जब कोई चीज का कैलकुलेशन या कोई चीज का मूल्यांकन आईसीटी के थ्रू होता है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी रहती है, साफ सफाई वाली बात रहती है कि भाई इतना ही हुआ है, एक्यूरेसी होती है, क्योंकि कंप्यूटर से जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या ही गलत होने का चांस होगा, ठीक है. अब नेक्स्ट बात आती है कि डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन. ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है आईसीटी से असेसमेंट का, कि भाई एमएस एक्सेल है, गूगल शीट्स है, ये सब आप पार्ट ऑफ असेसमेंट बना सकते हैं. अभी के टाइम पे जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया था, बड़ा प्राइवेट स्कूल था, आईसीटी का बहुत यूज होता था. मैंने उसमें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देखा कि जब रिपोर्ट कार्ड बनते थे, जब रिपोर्ट कार्ड को बनाया जाता था, तो बहुत ज़्यादा जो बच्चों का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बन रहा है, आईसीटी का बहुत एक्सटेंसिव यूज हो रहा है, सभी बच्चों का नाम है उसमें, अटेंडेंस रिपोर्ट है, बच्चों का वर्क प्रोग्रेस है. कंप्यूटर्स बिना तो कुछ भी चीज संभव ही नहीं हो पाता था. तो ये आप आए दिन महसूस करोगे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो बड़े प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, धीरे धीरे आईसीटी हर जगह अपना हाथ पैर फैला देगा. और अगर शिक्षक अपने आप को आईसीटी के अनुसार ढाल नहीं सके, या आईसीटी के बढ़ते तकनीक के बढ़ते कदम तक अगर आप कदम से कदम मिला के चल नहीं पाएंगे, तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा टीचिंग सफर को काटना. क्योंकि गया वो ट्रेडिशनल जमाना जिसमें टीचर्स हर एक नोटबुक को साइन करते थे और मार्क्स लिखते थे, अब वो जमाना नहीं रहा, अब जमाना बदल रहा है, आईसीटी पर डिपेंडेंसी आ रही है. हालांकि इसके बहुत सारे दुरुपयोग है, जिस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, पर आज असेसमेंट के लिए आईसीटी का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर आधारित ये वीडियो था. आई होप कि इस वीडियो के बाद अब आपसे अगर कोई भी सवाल हो कि आईसीटी से असेसमेंट आप कैसे कर सकते हैं, तो ई पोर्टफोलियो हो गया, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, अब इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कॉन्सेप्ट कि आईसीटी का असेसमेंट में बहुत यूज़ है, बहुत फ़ायदा है. फ़ायदा सबसे बड़ा है ट्रांसपेरेंसी एंड एक्यूरेसी. और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं. अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं, और अगर आप वीडियो को दोबारा देखना चाहते हैं तो इसे दोबारा देख के कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं. आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो जरूर सजेस्ट कीजिएगा.
आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और केवीएस इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अपने चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट को देखिए और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।